मध्य प्रदेश के बालाघाट का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा क्यों है बताएंगे आपको। यहाँ एक महिला सरपंच की अनोखी पहल देखकर यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, पंचायत भवन में क्लास लगाकर स्वयं ग्राम के छात्रों को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही है। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, महिला सरपंच की इस अनोखी पहल की चर्चा यहाँ ही नहीं पूरे क्षेत्र में है। ग्राम पंचायत चरेगांव के सरपंच मीना पुरुषोत्तम बिसेन अपने गांव सहित आसपास के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही हैं। प्रतिदिन सुबह 9 से 12 तक पंचायत भवन में अंग्रेजी की कोचिंग क्लास लगाकर अपनी पंचायत में रहने वाले छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें परिपक्व कर गांव के बच्चों को शहर में अंग्रेजी को लेकर होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य कर रही हैं। महिला सरपंच की अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है और सभी इसकी जी भर कर प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरपंच मीना पुरुषोत्तम बिसेन सरपंच बनने के पूर्व बालाघाट के टैगोर मंटीफ्री हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर रहकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, परंतु उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और अपने पद से इस्तीफा देकर ग्राम के विकास एवं ग्राम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया, जो कि जज्बा बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। लेकिन मीना बिसेन ने वह कर दिखाया कि पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें, इन्होंने उसके बाद पंचायत का चुनाव लड़ा और जीतकर सरपंच बन गई। चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में निःशुल्क शिक्षा देने का जो जिक्र किया था, उस पर वह कटिबद्ध दिखाई दी और वही कार्य करती हुई पूरी लगन और ईमानदारी के साथ नजर आई। अपने कथन के अनुसार, ग्राम एवं आसपास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है। कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, लेकिन यहाँ पर वह पूरे परिवार ही नहीं, गांव, क्षेत्र, हर जगह सभी को शिक्षित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मीना बिसेन पूरी तरीके से इस कार्य में खरी उतर रही हैं और ग्राम पंचायत की प्रथम गणमान्य नागरिक होने का दायित्व मीना पुरुषोत्तम बिसेन अच्छी तरीके से निभा रही हैं। इसमें ग्राम के लोग महिला सरपंच के इस कार्य को लेकर मिसाल के तौर पर देख रहे हैं और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। ग्राउंड जीरो से भास्कर भारद्वाज जुड़े हैं, दिखाएंगे यह पूरी खबर और मीना बिसेन का क्या कहना था, यह भी सुनिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीमती मीना बिसेन है। आप ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच हैं? हाँ जी, मैं ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच हूँ। सरपंच जी, आपने जब चुनाव लड़ा था, इसके पहले एक पहल की थी कि मैं यहाँ के बच्चों को शिक्षित करूँ, और इसके पश्चात हमें ये जानकारी भी लगी थी ग्रामीणों को कि आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं 17-18 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी जी। वहाँ मैं टीचर भी थी, 6-7 साल मैं प्रिंसिपल भी रही। तो मैंने सोचा कि जब मैं सरपंच बनूंगी तो अपनी सारी जो सीख है मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दूंगी, और वही मेरी कोशिश है। इसलिए मैंने 1 मार्च 2024 से निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग खोला है, ताकि मेरे गांव के बच्चे यहां आकर शिक्षित हो सके। कितने बच्चे यहां आ रहे हैं अभी पढ़ाई? यहां 25-30 कम बच्चे एवरीडे आते हैं। कभी शादी ब्याह में बच्चे चले जाते हैं तो फिर थोड़े कम हो जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि एक समान ही बच्चे आए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साक्षी बिसेन है। कहाँ के रहने वाले आप? चरेगांव के। आप बेटा यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप? जी, हमारे गांव में चरेगांव ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया ग्राम के समस्त छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और मैं इस बारे में सरपंच महोदया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हमारे गांव के समस्त बच्चे खूब पढ़े लिखें और आगे अपने भविष्य को सुधारें और इस गांव का नाम रोशन करें।